गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। आपको बता देती हूँ क्या है आज ब्रेकफास्ट में। तो वो है पापड़ा, जो हमारे महाराष्ट्र में फेमस है। लॉकडाउन में बहुत खाया है हमने पिछले लॉकडाउन में, और इस बार बहुत कम बनाती हूँ मैं, मतलब अभी बहुत कम बना रही हूँ। पोहा उपमा यही बना रही हूँ आजकल ज़्यादा। तो आज इनको याद आया कि चलो पापड़ा बना दो आज मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पापड़ा बना देते हैं। और जो पापड़ा है ना वो ज़्यादा बारीक किया हुआ नहीं है, तो इसी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, पानी बॉईल करना पड़ता है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, और पानी बॉईल हो जाने के बाद उसे उसमें पापड़ा बॉईल करना पड़ता है और उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, उसके बाद मूँगफली भून ली है, और उसके बाद मैंने जो प्याज और मसाले डाले हैं, और बस इसमें पापड़ा डाल दूँगी और इससे अच्छे से मतलब चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बस इस पे धनिया पत्ता डाल देना है, और हो गया आपका पापड़ा रेडी। और बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग पास्ता वगैरह खाते हैं उसी टाइप में लगता है। और आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, मैंने टोमेटो ऐड नहीं किया। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, और वो गुड़ की चाय बना रही हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने दूध डाल दिया है पतीले में, जितना चाहिए उतना, और उसके बाद मैंने चाय पाउडर डाल दिया है। और एक ट्रिक, इसमें आपको खाने का सोडा डालना है, वो भी दूसरा एकदम चुटकी से भी कम आपको खाने का सोडा डालना है, उससे आपकी गुड़ की चाय फटेगी नहीं। और उसके बाद आपको गुड़ डाल देना है। यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आपके घर में जो नॉर्मल सा गुड़ आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैं ये वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है ना, मैंने वेट लॉस मतलब थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, जो भी मुझे हो रहा है मुझसे वो कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं वो गुड़ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे, जब मुझे रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने चाय में थोड़ा सा चाय मसाला भी डाल दिया है, और वहाँ पर मेरा पापड़ा भी रेडी है। तो अभी इनको पापड़ा दे देती हूँ खाने के लिए, मतलब ये ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी जाने वाले हैं, तो इसी वजह से तो अभी ये ब्रेकफास्ट दे दे रही हूँ उन्हें। और मैं लूँगी अपनी गुड़ की चाय सुबह की, मैंने सुबह सुबह एप्पल साइडर विनेगर और पानी ले लिया था, उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी। और बस यहाँ पर अब इनके साथ चाय पी लूँगी, और उसके बाद अपने काम करूँगी बाकी के। और ये चले गए हैं ड्यूटी, यहाँ पर हो रहा है कारपेंटर भैया का काम, मतलब यहाँ पर ये शूरैक का काम हो रहा है। और शूरैक की डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि शूरैक की डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है, मतलब डिज़ाइन आपको ऊपर से लग रही होगी, बट जब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी ना सब कुछ होने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि कैसे होने वाला है। यहाँ पर हेडबोर्ड भी बन रहा है, तो जो आपको मैंने दिखाया था कि वो पट्टियाँ बाकी है, तो वो डार्क की लगेगी, डार्क कलर की, तो इसी वजह से वो डार्क कलर की पट्टियाँ लग रही है अभी यहाँ पे। तो वही काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये भैया भी यहाँ पर काम कर रहा है, उधर कारपेंटर भैया भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ पर आ गई हूँ भगवान की पूजा करने। बस भगवान की पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। गाइस सुबह के तो सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और मैंने नहा लिया है, पूजा हो गई है, अभी आई हूँ किचन में, तो बाकी के काम करती हूँ। और हाँ, ये जो कुर्ती है वो आज मैंने काफी दिनों के बाद पहनी है, मतलब बहुत दिन हो गए इस कुर्ती को पहने हुए, तो कैसे लग रही है जरूर बताना कमेंट करके, काफी पुरानी है। चलिए फिर बाकी के काम कर लेती हूँ।
तो गाइज इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में ये डिज़ाइन बनती है, आपको दिखा रही हूँ मैं इसलिए कि आपको अगर बनवाना हो तो आइडिया आ जाए। इसी वजह से ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बनती है और उसके बाद लगाई जाती है अच्छे से। उल्टा लगा दिया कपड़ा। त्याला तिथे तिथे आहे, हां ते शिद्र त्याला चिपकून द्या ना, ते फ्रेम लावून द्या मला फक्त। काय होयो सुलेशाला मागे डाली हो थॉट्स हे मुलांसाठी थॉट्स आहे। एक इथे एक इथे थांबा तुम्हाला सांगते। हां तसं तसं तिरपन तारप लावायचं ते। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन रेडी है, और कैसे लग रही है मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से आप कमेंट करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कि चलो यार मैंने जो बनवाया है वो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना। मतलब इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। डिज़ाइन रेडी होगी जो हमने बताई है उन्हें, और कब हमें फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन बना के दी है, और ये जो अंदर का कपड़ा है वो डार्क कलर का लगवाया है मैंने, और ये ऊपर का वाइट मतलब पर्ल कलर का। वो भी रीज़न आपको बता देती हूँ, क्योंकि पर्ल कलर हमने सीलिंग पे लगवाया है हमारे, जो हमारी पीओपी है पीओपी में पर्ल कलर लगवाया है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर पर्ल कलर का ये कपड़ा लिया था, और डार्क कलर का वो लिया था मतलब पट्टियाँ ली थी। तो कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जल्दी से बताइए यार, मुझे भी अच्छा लगे। और आपको अच्छा भी नहीं लगा ना फिर भी बताना, मतलब कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है वो भी बताना, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है वो भी बताना, मुझे तो पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा है। और यहाँ पर बस ये है, मेरी रूम रेडी हो गई है, अभी इसे साफ़ सफाई करने के लिए रेडी हो जाऊँगी मैं। अभी ये क्लीन करूँगी, उसके बाद अच्छे से अपना सारा सामान सेट करूँगी और फिर शिफ्ट हो जाऊँगी यहाँ पे। मतलब शिफ्ट मीन्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये रूम मतलब किस चीज़ के लिए है, तो डियर ये मेरी वीडियो की रूम है, मतलब स्टूडियो रूम ही आप बोल सकते हो उसे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये रेडी हुआ है। सॉरी माइका थोड़ा सा लगाना बाकी है, क्योंकि माइका का क्या हुआ है कि माइका कम पड़ गया था, तो इसी वजह से अभी ज़्यादा लाने से भी फ़ायदा नहीं है, इसी वजह से कम कम ला रहा है, क्योंकि अभी लास्ट का ही काम बचा है और वो ज़्यादा पड़ा रहेगा। इसी वजह से एक ही शीट लाई थी पिछली बार, दो शीट सॉरी, तो वो कम पड़ गई थी, तो इसीलिए अभी एक शीट मंगानी है वाइट कलर की, वो लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट। हे गाइस, कारपेंटर भैया चले गए हैं, और वो हेडबोर्ड बनाने वाले भैया चले गए हैं, मतलब सारे चले गए हैं, और हेडबोर्ड बन गया है, मैंने तो आपको दिखाई दिया। अभी मौसम ना इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, और आप लोग बोल रहे थे कि मौसम दिखाया करो दी, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और ये यहाँ पर रेड क्या हुआ है यार, पता नहीं जैसे खुजली जैसी हो रही है, कुछ काट के गया क्या पता नहीं यहाँ पे, मतलब मच्छर वगैरह काटा होगा पता नहीं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया यार। बाहर कपड़े हाँ हाँ अरे यार अच्छा हो गया, आदवी की याद दिलाया आपने, पीछे कपड़े है ना, चलो जल्दी से लेके आते हैं। अरे कॉकरोच, ये तो मरा हुआ है, चलो 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 चलो, चलो। हाँ ले लो आपके कपड़े, आप ले लो, अरे मेरा भी ले लो, ये ले लो पकड़ो, अरे वाह चलो चलो क्या क्या गंदे कर रहे हो पूरे कपड़े, चलो 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 और देखिए कपड़े निकाल के लाए, और जल्दी से बारिश स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर देखिए हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा होगी बारिश, मतलब अभी तो हल्की हल्की सी हो रही है, इसी वजह से मैंने शूट कर लिया। अभी देखो अभी स्टार्ट हुई है,
मौसम ऑसम वाला हो गया है, इतना बढ़िया मौसम लग रहा है ना। ऐसा मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट सीज़न है ये मानसून सीज़न, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। और उसके बाद अभी अच्छे से बारिश स्टार्ट होगी और हम लोग एंजॉय करेंगे घर के अंदर ही, क्योंकि मुझे करनी है क्लीनिंग, तो यहाँ पर चल रही है मेरी क्लीनिंग सब जाने के बाद, तो वो क्लीनिंग ही होती है। सारे लोग चले गए हैं तो अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है मेरी, झाड़ू मार लिया है, अभी पोछा कर रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक क्लीनिंग करनी पड़ती है वो सब जाने के बाद। और आप लोग बोल रहे थे ना कि दी डेली डेली क्लीन मत करो, बट डेली डेली ऐसे घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता है डियर। तो इसी वजह से मतलब इतना डीप तो क्लीन नहीं कर रही हूँ, बट जो दिखता है ना आगे वो तो क्लीन करना ही पड़ता है। तो गाइस सारे काम खत्म हो गए और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे अमेजोन शॉपिंग। और अमेजोन से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की है, मतलब कुछ अभी ऑर्डर की है, कुछ इससे पहले ऑर्डर की थी और कुछ ऑर्डर की है वो रिसीव होना बाकी है। बट मैंने सोचा जो भी ऑर्डर किए हैं अभी, जो भी मुझे रिसीव हो गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे क्यूट प्रोडक्ट मुझे ये लगा जो मैंने लिया है, ये है एक्चुअली क्या बोलते हैं इसे, कोम वगैरह रखने के लिए ड्रेसिंग टेबल पे, क्रिस्टल का है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ब्रशेस रख सकती हूँ, कोम रख सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ इसमें। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इसमें रखने के लिए मैंने लिया है ये मिनी सो के ब्रशेस, एक माही के रूम के लिए लिया है और ये एक अपने रूम के लिए लिया है, तो एक माही के लिए और एक मेरे लिए। तो ऐसे दो ब्रशेस लिए और इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं, आप देखो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए हैं। तो इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब 10 out of 10 मार्क्स दूंगी मैं इसे और इसे भी, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग लिंक्स मांगते रहते हो, यदि आप दिखाते हो बट लिंक्स नहीं देते हो, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारी चीजों के, और एक लिंक भी मिल जाएगा माय हॉल स्टोर का। तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे, मतलब एक एक लिंक चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये है। और सेकेंड प्रोडक्ट मैंने लिया है ये मेरा मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, ये है लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड का, वेट एंड वाइल्ड का गिव मे अ मोका ये नाम है इसका, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये लिपस्टिक। इससे पहले मैंने एक बॉटल खत्म कर दी है और दूसरी बॉटल मंगाई है, दूसरी लिपस्टिक मंगाई है। और इसका शेड देखो, आप लोग कभी कभी बोलते हो ना दीदी आप न्यूड लिपस्टिक लगाते हो कौन सा है, तो वो यही है डियर, बहुत ही ज्यादा अच्छा शेड है, मुझे पर्सनली ये शेड बहुत ज्यादा पसंद है। सेकेंड लिपस्टिक है मेरी ये जो है 9 to 5 लैक्मे प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक है, और ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये लिपस्टिक है ये वाली ब्राउन शेड, ऐसे न्यूड शेड मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इतनी क्रीमी है ना कि आपको क्या बताऊँ, इसका जो शेड है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा है, आप देखो, और बहुत ही क्रीमी है, मतलब आपके लिप्स अगर ड्राई हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो उसके लिए जैसे कि हम फेस को प्राइमर लगाते हैं ना, वैसे ही लिप्स को प्राइमर लगाना जरूरी होता था। इसमें प्राइमर प्लस ये लिपस्टिक है, तो इसमें प्राइमर पहले से ही है, तो इसी वजह से ये लिपस्टिक आपके लिप्स को डार्क नहीं करेगी। अगर आप ये लिपस्टिक यूज करते हो, अगर आपके ड्राई लिप्स है ना, तो आप डेफिनेटली ये लिपस्टिक यूज कर सकते हो, मतलब इसमें से कोई भी शेड ले सकते हो, मैंने तो ये शेड लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये वाओ का जो फेस वॉश है, उपटन फेस वॉश, ये मेरा आधा खत्म भी हो गया है, ये उपटन फेस वॉश लिया है और ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसमें सिलिकॉन ब्रश आता है इस तरह से, और ये सिलिकॉन ब्रश आपके स्क्रब का भी काम करता है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है आपके, और जब भी आप फेस वॉश करते हो ना बहुत ज्यादा फ्रेश लगता है। उसके बाद मैंने ये उपटन रेंज ही ली थी, तो ये है उपटन फेस बॉडी स्क्रब, और ये भी बहुत अच्छा स्क्रब है, अगर आप कोई अच्छा सा स्क्रब चाहते हो आपके लिए, और देखो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलता है, ये देखो इतना स्क्रब बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है और ज्यादा प्राइस भी नहीं है, अच्छा है। तो ये है उपटन रेंज फेस बॉडी स्क्रब वाओ का, और उसके बाद ये है फेस पैक वाओ का ही उपटन रेंज वाला, मैंने सारी उपटन रेंज ही मंगाई थी, वाओ का उपटन फेस एंड बॉडी पैक, तो ये भी पैक बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कोई अच्छा सा फेस पैक, फेस स्क्रब एंड फेस वॉश चाहते हो तो आप ये रेंज ले सकते हो, उपटन रेंज काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब अभी आपको DIY करने के लिए टाइम नहीं रहता है और आपको अच्छी से ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप बोलते हो कि दी माही के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, तो मैंने इससे पहले भी बताया है आपको, माही के लिए मैं मामार्थ के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो ये है मामार्थ उपटन फेस वॉश। जैसे कि मैंने ये उपटन रेंज मंगाई तो माही को भी उपटन रेंज चाहिए थी, तो मैंने ये मामार्थ की उपटन रेंज उसके लिए मंगा ली, तो ये है उपटन फेस मास्क एंड ये है उपटन फेस वॉश,
ये है टर्मरिक फेस वॉश, मतलब इसमें सैफ्रॉन एंड टर्मरिक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। और हम हमारे बच्चों को कोई भी केमिकल यूज नहीं करना चाहते, तो आप ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। मतलब अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हो माही के एज के, या माही से थोड़े से छोटे भी। अगर अद्विक की जितने हैं तो अद्विक के लिए तो दूसरे ही प्रोडक्ट है, तो वो तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, तो ये प्रोडक्ट माही यूज करती है। और अब ये फेस पैक जो हम लोग होममेड फेस पैक बनाते हैं, तो उसमें हल्दी चंदन ये सारी चीजें मिलाते हैं, बेसन वगैरह, और वो बच्चों को लगाते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है, तो ये फेस मास्क आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, उनकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट लगेगी। तो ये है माही की रेंज। और उसके बाद मैंने ये वाओ के शैम्पू एंड कंडीशनर लिए थे, तो ये आई थिंक आपके साथ शेयर किए हुए हैं मैंने, नहीं हाँ किए हुए हैं। तो ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है, और ये वाओ का कंडीशनर है ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल वाला। तो ये दोनों प्रोडक्ट है ये लिए है मैंने, ये बहुत ज्यादा अच्छे है। अगर आप कोई अच्छा सा शैम्पू एंड कंडीशनर चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, और केमिकल फ्री है। तो जिनको केमिकल से प्रॉब्लम है या जिनका हेयर फॉल ज्यादा होता है केमिकल यूज करने की वजह से, तो वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने माही के लिए लिया है ये दोनों प्रोडक्ट, ये है मामा अर्थ का राइस वाटर कंडीशनर एंड ये है मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू। ये दोनों प्रोडक्ट लिए है, अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं किया है, ये अभी आया है कल, हाँ कल या परसों ही आया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप बहुत से लोग पूछते हैं कि दी माही के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, तो डियर आज मैंने आपको बता दिया कि माही के लिए मैं ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मतलब मामार्थ के ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अद्विक के लिए भी मामार्थ के ही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, माही के लिए भी मामार्थ के ही प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। ये केमिकल फ्री होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हेयर फॉल नहीं होता है, बहुत अच्छा सिल्की शाइनी हेयर हो जाते हैं, तो ये वाला ये आप यूज कर सकते हो। और राइस वाटर लॉन्ग हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपके हेयर लॉन्ग एंड शाइनी सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हो जाते हैं इससे, तो आप ये शैम्पू आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपके बच्चों के लिए यूज करना है तो आपके बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, आपके लिए यूज करना है तो आपके लिए यूज कर सकते हो। तो ये शैम्पू और कंडीशनर है, और ये भी प्रोडक्ट आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो और आपके बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और उनको कुछ भी सूट नहीं होता, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं उपटन रेंज मामाअर्थ की फेस पैक और फेस वॉश, तो ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बड़ी चीज ली है जो आपको मैं दिखा देती हूँ, अभी काफी दिनों से चाहिए थी मुझे और कल परसों ही रिसीव हुई है मुझे ये। तो ये मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर मशीन ली है, जो मुझे काफी दिनों से मेरा मन कर रहा था ले लूं बट रखने के लिए जगह नहीं थी। अभी ऊपर की रूम हो गई है तो मैंने सोचा चलो इसे ले लेती हूँ, वार्डरोब के अंदर भी रख सकती हूँ। ये है टब जो मैनिक्योर पेडिक्योर टब है, और उस दिन मैंने मतलब जिस दिन आया ना उसी दिन माही ने भी और मैंने भी और अद्विक ने भी उसके अंदर पैर डुबो डुबो के देखा और बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार। मतलब टब काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आप ऐसा कोई ढूंढ रहे हो ना तो ये वाला टब ले सकते हो आप, काफी ज्यादा अच्छा है। इसके लिए मुझे अभी पेडिक्योर, मैं आपके साथ पेडिक्योर मेनिक्योर जल्दी ही शेयर करूंगी, इसीलिए मैंने ये मंगाया, अभी ये मंगाया ही है तो इसका मतलब रिव्यू भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी और मेनिक्योर पेडिक्योर करके भी आपको दिखाऊंगी। बट मैंने करके देखा ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, और उस दिन मैंने इतना प्रॉपर तरीके से नहीं किया था तो इसी वजह से शूट नहीं कर पाई, सिर्फ ऐसे ही मैंने पैर डुबो के थोड़ा सा शैम्पू वगैरह डाल के रख दिया था, बट मुझे काफी ज्यादा फर्क लगा इससे, तो इसी वजह से इसका रिव्यू जल्दी ही शेयर करूंगी आपके साथ। रिव्यू क्या, इसको यूज करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूज होता है, क्या होता है, कौन से बटन किसके लिए दबानी होती है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऑन ऑफ के बटन है, यहाँ पर ये रेड लाइट बबल्स वगैरह की बटन है, ये टाइमर है यहाँ पे, ये टेम्परेचर सेटिंग है यहाँ पे, बस बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसे यूज करना भी, आप ले सकते हो इसे। अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है आपके लिए दे दिया है। और हाँ, पेडिक्योर और मेनिक्योर किट भी मैंने मंगाई है, वो अभी तक नहीं आई है, तो वो जब आ जाएंगी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। जो मैंने अमेजोन से चीजें परचेस की है, मतलब किचन की नहीं, जो मुझे चाहिए थी, जरूरत थी जिसकी, तो वो चीजें जो चाहिए थी उसका हॉल जल्दी ही आएगा। मैंने ऑर्डर कर रखी है बट अभी तक नहीं आई, तो ये जो आई थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए गाइज, आई होप आपके लिए ये हॉल हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये सारी चीजें मुझे जो जरूरत थी वो मैंने ले ली, और आपको भी पसंद आई होगी जो भी चीजें मैंने ली है वो। और अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सेपरेट सेपरेट लिंक क्लिक नहीं करना चाहते हो तो माय हॉल स्टोर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको ये सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे।
तो चले फिर गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और लाइक तो पक्का कर देना यार, और सब्सक्राइब जब करोगे ना उसके बाद जो में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलना, उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और अभी बारिश हुई है ना, मक्खियां बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टा का लिंक और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।